गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डबल फ्लोर का जो बस चलता है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के, मुझे भी तो अच्छा ही लग रहा है। शायद आप लोग यही सोच रहे हो काश अगर हमारे भी स्टेट हमारे भी जिले में अगर ऐसी ऐसी बसें चले तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बस चलते हैं। और हे गाइस मैं हूँ सिनोद्वार। गाइस इस टाइम मैं आया हूँ मरीन ड्राइव और आप सभी के लिए वीडियो बनाने। तो इस टाइम यहाँ का सीन कैसा है, कैसा यहाँ का लुक है तो आप सभी को दिखाता हूँ। ये रहा मरीन ड्राइव का लुक, कैसा लग रहा है? अच्छा है और जब मैं यहाँ पे आता हूँ ना तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और यहाँ पे सभी लोग आए हैं, फोटो शूट कर रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खा भी रहे हैं, जो जिसकी मर्जी करता है, सभी अपने अपने हिसाब से घूम रहे हैं। तो आना चाहता हूँ जो जो सिर्फ। और यहाँ पे कुछ लोग फोटो शूट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देख के मुझे, तो यहाँ पे मैं सिप दिखा रहा हूँ आप सभी को। पानी में जो चल रही है सिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कुछ सीन आप सभी को सामने से दिखा रहा हूँ। मानना पड़ेगा कि मुंबई मुंबई है भैया। तो यहाँ पे निखिल आया है हमारे साथ, निखिल से कुछ बातें करवाता हूँ। निखिल यहाँ पे तुझे आगे कैसा लग रहा है? मुझे मेरी दिल की जो मतलब इधर गर्मी थी इधर निकालने में मजा आ रहा है, ठंडक मिल रही मेरे दिल को, इधर बहुत अच्छी ठंडी। निखिल का कहना है कि भाई जो दिल की गर्मी थी इसके दिल में अभी ठंडक बैठ गया है। यहाँ पे आके बैठा है कि कुछ देख के बैठा? समझते हो मतलब मेरे मामा बहुत ये ऐसा कुछ। चलिए यहाँ पे तो घूम टहल रहे हैं और ये ना पब्लिक का रिएक्शन आप लोग देख ही सकते हैं। और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई है गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डबल फ्लोर का जो बस चलता है काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है देख के, मुझे भी तो अच्छा ही लग रहा है। शायद आप लोग यही सोच रहे हो काश अगर हमारे भी स्टेट हमारे भी जिले में अगर ऐसी ऐसी बसें चले तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? तो यहाँ पे ऐसे ऐसे बस चलते हैं और जब भी आप लोग मुंबई आना ना तो यहाँ पे जरूर घूमने के लिए आना। और हम तो जब भी आते हैं घूमने के लिए ही आते हैं। और ये रहा सामने का कुछ सीन आप सभी को दिखा रहा हूँ। और सामने दरिया जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल स्टेशन बाहर से कुछ सीन इस तरह से है और आप लोग देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा है। ये रहा मुंबई, वाकई में मानना पड़ेगा कि भाई मुंबई मुंबई है। पीछे आप लोग जो दिखा रहा हूँ आप सभी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं आगे लोकेशन पे और आगे का सीन दिखाता हूँ आप सभी को। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो कि अंडरग्राउंड के नीचे जो मार्केट लगा रहता है ना, यहाँ पे सामान बहुत ही सस्ता मिलता है, केवल नाम का है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे देखो हाथों का कंगन है, टेम्पर्ड ग्लास, मोबाइल, सभी चीज़ यहाँ पे है। और यहाँ पे भी अंडरग्राउंड के दुकान के अंदर भी क्या लेने वाला है? 600 का बता नहीं रख दे